नाम लेते ही ऐसा लगता है कि कुछ नई चीजों की बात होने जा रही है। वैसे तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। आपने इस शहर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, देखा होगा, अक्सर आप इस शहर की खूबसूरती की कई तस्वीरें और वीडियोस भी देखते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, संयुक्त अरब अमीरात इस बार कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें आपकी नजर में एडवांस शहर कैसा होना चाहिए, तो आप कहेंगे खूबसूरत सड़कें, चारों तरफ हरियाली, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस वगैरह वगैरह। लेकिन जब दुबई के एडवांस शहर के बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पहले तो आप जान लीजिए, सऊदी अरब इस समय एक एडवांस शहर को आकार दे रहा है जिसका नाम द लाइन या नियोम सिटी होगा। और ये न्यू सिटी तीन लेयर में तैयार हो रही है। बता दें लाल सागर के पास बसने जा रहा ये शहर आपको हैरान कर देगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ही विशेषताएं हैं। दावा किया जा रहा है कि 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद लोग यहां आकर रह सकेंगे। पूरा इलाका करीब 170 किलोमीटर लंबा होगा। पूरे शहर को तीन लेयर्स में तैयार किया जा रहा है। पहली लेयर पर लोग पैदल चल सकेंगे, बाकी की दो लेयर्स ट्रांसपोर्ट और बुनियादी ढांचे के लिए रहेगी। सभी रिहायशी क्षेत्र महज 5 मिनट की दूरी पर होंगे। कोई भी यात्रा 20 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। निर्माण में 95% प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहेंगे। बुलडोजर्स ने यहाँ के पहाड़ों को हटाना शुरू कर दिया है। 1500 कर्मचारी साइट पर ही रहकर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पर 15 लाख करोड़ खर्च होंगे। इससे 3.8 लाख नौकरियां पैदा होंगी। द लाइन को सलमान ने सेंट्रल स्पाइन भी बताया है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये पूरा प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन मुक्त प्रोजेक्ट होगा। इसमें पर्यावरण का खासा ख्याल रखा गया है। आगे आपको बता दें कि यहाँ पानी को ऑक्सीजन और फ्यूल के लिए हाइड्रोजन में बदलने जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा। प्रोजेक्ट के CEO ने बताया, बड़ा प्रोजेक्ट होने के चलते डेवलपर्स दो सिरों से इसका काम शुरू कर रहे हैं। इस इको सिटी में 10 लाख लोग रह सकेंगे। ये अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट और ऑटोनॉमस मोबिलिटी सॉल्यूशन से जुड़े होंगे। खैर, इस शहर में वही लोग रह सकेंगे जो एडवांस शहर में रहने का सपना देखते हैं। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।